कड़कड़ाती ठंड में खुले में रात काट रहा परिवार। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर क्षेत्र का है। जैसे जैसे क्षेत्र में लगातार ठंड बढ़ रही है, इसके बीच मीरापुर के मोहल्ला मुस्तरक में गरीब सूरजमल कश्यप का परिवार खुले में सोने को मजबूर है। हालांकि सूरजमल के दो पुत्र भी थे, जिनमें से एक पुत्र सुनील का देहांत करीब 3 वर्ष पूर्व हो गया, जबकि दूसरा पुत्र देवेंद्र कश्यप गाजियाबाद में रहकर मेहनत मजदूरी कर परिवार की गुजर बसर कर रहा था। देवेंद्र ने करीब 3 वर्ष पूर्व मीरापुर में रह रहे अपने बुजुर्ग माता पिता व बहन के रहने के लिए मां शांति देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का आवेदन किया था। कई बार लिस्ट में नाम आने व पात्र होने के बाद भी नाम कट जाता था। करीब 1 वर्ष पूर्व आवेदन स्वीकार हुआ, जिसकी एक किस्त 50,000 रुपए की जून माह में आई, तो देवेंद्र उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किस्त आते ही परिजनों ने पुराना मकान ढहकर नए मकान की नींव भर दी, किंतु जून माह के बाद दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई, जिससे मकान का कार्य अधर में ही लटक गया। दूसरी किस्त के लिए परिजनों ने सभासद से लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने शुरू किए, परंतु सफलता न मिलने पर देवेंद्र के 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता सूरजमल कश्यप व 75 वर्षीय माता शांति देवी छत के नाम पर पल्ली टांग कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने लगे, जबकि देवेंद्र दूसरी किस्त आने पर गाजियाबाद में जाकर मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हो गया, जहां कल शनिवार को देवेंद्र का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद उसका शव मीरापुर लाया गया, जहां से उसे मोहल्लेवासियों व बुजुर्ग माता पिता तथा परिजनों ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दूसरे पुत्र की भी अचानक मौत हो जाने से सूरजमल काफी आहत हैं और कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे परिवार सहित रात गुजारने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? ममता। कब करा था मकान का आवेदन आपने? तीन साल बाद। 3 साल पहले? हाँ जी। और किस्त आए हुए कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए आई भी को। कितने किस्त आई थी? एक किस्त आई बस 50,000 की। उसके बाद कोई किस्त नहीं जी? नहीं, धक्का वाली हुई हमारी। मेरा भैया ठंड में मर गया। अब तुम खुले आसमान के नीचे? हाँ जी, आसमान के नीचे सो रहे हैं बिल्कुल। कोई तुम्हें पेंशन मिल रही हो? पापा को कुछ नहीं मिल रहा, हमारी नहीं सुनाई हो रही हमारी भैया, कुछ भी नहीं हो रहा। पापा कोई अधिकारी आया है सुध लेने? नहीं जी, कोई नहीं आया। क्या चाहते हो तुम? मुझे अब ये चाह रहे हमारे भैया का मकान बन जा, हम घर में आ जा।